एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर खाली बैठे सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां मीठे आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख के उसके मुंह में पानी आ गया और वह आम तोड़ने एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ गया। बाग के मालिक को देखकर आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव से बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में इस जंगली जानवर से भरे जंगल में यह लोमड़ी कैसे बच गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासे में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से बैठकर देखने लगा कि अब लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। थोड़े ही समय में पूरा जंगल शेर की भयानक दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी आराम से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सब जगह है। उसने धरती के सारे जीव जंतु के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। और वह वहां से अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा दृश्य सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं है। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है, भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी, लेकिन बात यह है कि वह तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहता है। फ्रेंड्स, हमको इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हम सबके अंदर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमज़ोर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की क्षमता की प्रतीक्षा न करिए। इतने कामयाब और सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशू सिंघानिया। आपको मेरी लाइन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मोटिवेट वीडियो के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।